अब तक आपने रोबोट्स को कई तरह के काम करते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन अब रोबोट एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे कई पत्रकारों की नौकरी जा सकती है। दरअसल गूगल एक ऐसे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने जा रहा है जिसके तहत रोबोट खबरें लिखेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो गूगल के इस प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर्स लोकल मीडिया के लिए महीने में 30,000 न्यूज लिखा करेंगे। दरअसल गूगल ने ब्रिटेन की नेशनल न्यूज एजेंसी प्रेस एसोसिएशन में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्ट रोबोट रिपोर्ट्स के लिए किया गया है। प्रेस एसोसिएशन और डेटा बेस्ड न्यूज स्टार्टअप अब्स मीडिया मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज सर्विस पर काम करेंगे, जो महीने भर में पब्लिकेशंस के लिए हजारों खबरें तैयार करेंगी। गौरतलब है कि एसोसिएशन प्रेस ने 2014 में एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक खबरें बनाने शुरू की थी। इस प्रोसेसर में कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स का डेटा यूज किया जाता था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।